के बाद स्वयंवर प्रारंभ हुआ। जितने राजा आए सब बारी बारी से जा रहे हैं, जो भी उठते हैं ना कदम सीना को ठोंक कर एक बार हैन्यास, एक बार हैन्यास, एक बार हैन्यास, एक बार हैन्यास, चले छे एकदम जैसे लगे थे अब धरती डोलता है। जा करके इतना जबरदस्त से धनुषवा के ऊपर हाथ रखे, दो चार गो जब देखलकै ने ओकरा त लगलै कि उठाइए लेते, ई उठाइए लेते, ए धनुषवा पर हाथा धैल के, आ हाथा धैल के आ एक धनुषवा के नहीं देखा जरा उठावल गए ध्यानमा ओकरा पर ने ध्यानमा देखे कि सीता एक अलगे बीमारी धैले है हो फुकबा। अरे लागता दीवाना हो अलगे पागल आ जे धनुषवा पर हाथा धैल के अभी तक त रहे एकदम रंग में, अब सोचल के कि तनी अब उठाइए, जे उठल के तनी सोचे ये काम कते जान होते हमरा रास्ता हलके न है, लगल के जब नहीं हिले फिर तनी बढ़ल के, फिर तनी बढ़ल के, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जतना दिल के भगवान सब लगा जाए, अब लगले ही लावे लेकिन सब तकतिया लगाए दिलखिन, लेकिन धनुषवा के तन को संतोष से मस नहीं कर पाए, फिर दोसर का चलल, फिर तेसर का, चौथा पांचवा छठा सतवा आठवा नवा दसवा, इस प्रकार वारी वारी से सभी राजे राजा महाराजा जाने लगे, सब के हालत खराब हो गए। और धनुषा उठावे खातिर और दौड़ेला जरूर हो सहूर नहीं खे, और धनुषा उठावे खातिर और दौड़ेला जरूर हो सहूर नहीं खे,
अर सहूर नहीं तक टुकुर टुकुर हो 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 सहूर चारों तरफ तक लगल के जो जब नहीं उठले अर धनुषा न उठे धनुषा न उठे हो पूरा हो पूर हो सहूर नहीं खे धनुषा न उठे तहापे हो पूरा हो पूर हो सहूर नहीं खे अर सहूर नहीं खे तक टुकुर टुकुर हो सहूर नहीं खे यहाँ पे हुपुर हुपुर हो सहूर नहीं एक भी राजा धनुष को नहीं उठा सका। जितने राजा देखो यो हो वो राजे यो हो रंगेम है करके ऊ कर लगे थी करके दो फेट दबे बहन इते हम तो तोड़िए दो करके जल्दी हमर नमर बादे हाँटने कहे वो हो एकदम रंगीन छे कि दू फट दे दे शांत रहन सुधीर यादव जी इनके तरफ से भी 100 रुपए का प्रेम छावर बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए मायावती भगवान की जय सजनों एक भी राजा धनुष को नहीं उठा सके। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी जी चित्रण करते हैं कि भूप सहस्त्र दस एक ही वारा ध्यान दीजिएगा कि जब एक एक राजा धनुष को नहीं उठा सके तो कुछ हमारे भाई लोग हैं कुछ हमारे कलाकार भाई हैं जो कहते हैं कि जब एक एक करके धनुष को नहीं उठा सके तो एक बार धनुषवा में 10,000 राजा लग गए है ना। कहे रमणीयम लिखल है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारह लगे उठावन टरई न टर जब एक एक करके नहीं उठा पा के तब 10,000 राजा एक बार लग ले विचार करो कि अगर 10,000 राजा लगते धनुष में तो एक राजा के पास दो हाथ तो 10,000 राजा में के हाथ 20,000। अब सोचिए कि धनुष कितना बड़ा था जो कि 20,000 हाथ धनुष में लग गया धनुष कितना बड़ा था जो कि 20,000 यानी 10,000 राजा यानी 20,000 हाथ धनुष में लग गया तोड़ने के लिए। आ तनी विचार करियो अगर आ जो अगर 10,000 राजा मिलकर धनुष को अगर अगर तोड़ देते तो सीता जी बियाह केकरा साथ होते क्योंकि हमारी माता सीता पतिव्रता नारी है ना पतिव्रता नारी है और 10,000 राजा का अगर धनुष तोड़ देते तो उनकी शादी किन के साथ होती सोचने की बात है चिंतन करने की बात है। सिर्फ सुन लेने से नहीं होता है कुछ सुनिए और कुछ चिंतन भी कीजिए इस मशीन में इस बात को डाल करके उसको उसका उस पर मनन कीजिए ध्यान देंगे भूप सहस्त्र दस 10,000 राजाओं को निमंत्रण दिया गया 10,000 राजा वहां आए भूप सहस्त्र दस लेकिन यहां से एक ही वारा एक राजा को निमंत्रण नहीं दिया गया एक राजा को वार दिया गया किनको राजा दशरथ जी को राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था स्वयंवर का क्यों इसलिए शादी किनकी होनी है राम जी की विधान बना हुआ है और राजा दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया इसके पीछे भी कारण है। राजा जनक जी को यह मालूम नहीं था कि उनके बेटे आने वाले हैं धनुष लेकर निमंत्रण नहीं दिया गया अगर निमंत्रण जाता तो
नहीं आते महाराज दशरथ राम जी आते, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया गया क्योंकि राजा दशरथ जी नपुंसक हैं, उनकी तीन तीन पत्नी पहले से ही हैं। सजन एक ही बारह राजा दशरथ जी को वार दिया गया और 10,000 राजा आए, सभी अपनी अपनी शक्ति का आजमाइश के लिए, एक भी राजा धनुष को तोड़ नहीं सके। जब एक भी राजा धनुष को नहीं तोड़ सके तो महाराज जनक, महाराज जनक को बड़ी गलानी हुई। महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए और महाराज जनक धिक्कार करके कहते हैं सभी राजाओं को कि हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं। क्यों देश देश के राजाओं, राजकुमारों, हम किस उम्मीद पर कहें कि आप बलशाली हैं, आप योद्धा हैं? अरे मुझे तो आज ऐसा विश्वास हो गया है, अरे आज हमें विश्वास हुआ कि पृथ्वी पीरों से खाली है। आज हमें पृथ्वी पीरों से खाली है, आज हमें विश्वास हुआ पृथ्वी पीरों से खाली है, आज हमें विश्वास, आज हमें विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी पीरों से खाली है, ये धरती पीर भी है। लिखा नहीं वैदेही विवाह, मेरी बेटी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, आप लोग लौट जाइए। अगर मुझे मालूम होता कि एक भी राजा धनुष को नहीं तोड़ सकेंगे तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता, अब तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। महाराज जनक सीता जी को देखते हैं और सीता जी को देख कर महाराज जनक बड़े चिंतित होने लगे। अरे सीता के सकल देखी और जाका तिन जाना करी सी, अरे अवधिया रहती कुमारी के माई, अरे अवधिया रहती कुमारी के माई, सीता के सकल देखी झाका तिन जाना करी सी, सीता के सकल देखी झाका तिन जाना करी सी, अवधि महाराज जनक बड़े चिंतित हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बहाने लगे कि अब तो मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह जाएगी। महाराज जनक के आंख में आंसू देख, महाराज जनक को चिंतित देख, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज उस समय तक चुप थे, विश्वामित्र जी महाराज मुहूर्त देख रहे हैं। जब शुभ मुहूर्त आया
विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले यति स्नेह मै बानी उठहु राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी के वचन को सुनकर राम जी उठे सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा हर सविसादना कछुरिया। राम जी उठे और गुरु जी के चरणों में शीश झुकाए फिर माता धरती को भगवान प्रणाम किए आगे बढ़े जलकर के धनुष के निकट आए धनुष को भगवान प्रणाम किए और धनुष को प्रणाम कर भगवान बाएं हाथ धनुष पर रखे। देखिए शिष्टाचार देखिए संस्कार देखिए भगवान बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं बिल्कुल सामने आए धनुष को प्रणाम किए एक हाथ धनुष पर रखे एक नजर से भगवान धनुष को देख रहे हैं और एक नजर भगवान दिए कहां सीता जी के ऊपर। अब तो बहुत लोग सोचते कि सब तो देखबे कर लेते यो हो देखिए अलखिन अंतर एक ही है दोनों है ना। शुभ मुहूर्त में शंख ध्वनि भेल ध्यान दें बहुत लोग सोचते होंगे कि सब तो